तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चाचा जी और टप्पू आ गए। अरे वाह। हाँ लेकिन सिर्फ दोनों आए ना, जेठाल नहीं आया। हमेशा की तरह आज भी लेट आने वाला है मतलब। आइए आइए चाचा जी। माफ करना थोड़ा लेट हो गया। नहीं नहीं चाचा जी, आपको बिल्कुल लेट नहीं हुआ। इनफैक्ट आप बिफोर टाइम है। एक मिनट, डॉक्टर देसाई जी जरा यहाँ आइए। ये है हमारे चंपक चाचा जी। वैक्सीन देने की शुरुआत इनसे और इनके आशीर्वाद से ही हमें करनी है। श्योर श्योर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। खुश रहो। जैसे हमारी सोसाइटी में रहने वाले होशियार और काबिल डॉक्टर हाथी पे हमें गर्व है, उसी तरह आप सब लोगों पे भी हमें गर्व है। आप लोग दिन रात जनता की सेवा करते हो और उनकी सेहत अच्छी करते हो। सच में आप सब लोग बहुत ही नेक काम करते हो। भगवान करे आप सब लोग ऐसे ही हमेशा सुरक्षित, सफल और खुश रहो। थैंक यू वेरी मच। चाचा जी हम सबकी तरफ से मैं आपको थैंक यू कहता हूँ। अभी 8:05 बाकी है। 8:00 ही हम वैक्सीन महोत्सव स्टार्ट कर देंगे। बात है, बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज। अरे बबीता तुम तो आउट ऑफ मुंबई गई थी ना। हाँ मुझे कब से वापस आना था पर मुझे टिकट ही नहीं मिल रही थी। फिर मुझे अय्यर ने कहा कि यहाँ पे वैक्सीन महोत्सव हो रहा है, तो मैंने किसी भी तरह से टिकट अरेंज की और मैं यहाँ पे आ गई आप सबके साथ वैक्सीन लेने के लिए। बिकॉज वैक्सीन लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वही बात है। क्या बात है बबीता, एक डॉक्टर की वाइफ होने के नाते वैक्सीन के महत्व को लेकर तुम्हारी जो सोच है ना उसे मैं सल्यूट करती हूँ। थैंक यू। हाँ बबीता जी, आपकी तरह सभी अगर वैक्सीन की गंभीरता को समझे ना तो पूरा देश, देश का है पूरी दुनिया वो वैक्सीनेटेड हो जाए। बिल्कुल, आपने एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाया है। बिल्कुल बिल्कुल बबीता जी, सबको प्रेरणा देने वाली आपकी सोच के लिए तालियां तो बनती है। बापूजी, सेठ जी कहाँ हैं? आए नहीं अभी तक। कहाँ से आएगा, डर के मारे छुपा बैठा है। नहीं वो जेठिया को अचानक रात को बुखार आ गया। बाप रे, ठंड भी लग रही है और बदन दर्द भी हो रहा है इसलिए सो रहा है। अच्छा तो ये है जेठालाल का ब्रह्मास्त्र, बीमार होने का नाटक किया है। लेकिन जेठालाल आज तुम्हारा कोई नाटक चलने वाला नहीं। बुखार की वजह से जेठा भाई वैक्सीन नहीं ले पाएंगे। डॉक्टर हाथी, जेठालाल आज ही वैक्सीन लेगा। चलो कोई बात नहीं, 8:00 हैं तो वैक्सीन महोत्सव का शुभारंभ करते हाँ। और किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं गणेश वंदना से, तो हम सब मिलके गणेश वंदना करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बाप्पा बोलया, मंगलमूर्ति बोलया। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी की अधिकृत घोषणा करता हूँ कि गोकुलधाम वैक्सीन महोत्सव की शुरुआत हो गई है। वाह बहुत। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज के इस महोत्सव की शुरुआत हमारे सबके आदरणीय चंपक चाचा जी से होगी। सबसे निवेदन है कि जिनका भी पहला या दूसरा डोज है इस वैक्सीन महोत्सव में ले और इस वैक्सीन महोत्सव को सफल बनाए। और हाँ, अपना आधार कार्ड रेडी रखें। चलिए चाचा जी
आइए बापूजी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट दादाजी वैक्सीन ले, उससे पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? मेरे दादाजी बहुत बहादुर हैं, और आपको पता है एक बार हमारे गांव में दादाजी बैल से भिड़ गए थे, और कई बार दादाजी सांप को पकड़ के जंगल में छोड़ आते थे। टपुड़ा, ये सब अभी यहाँ क्यों कह रहा है? दादाजी उसकी एक वजह है। और हाँ, आपको एक और बात बता दूं कि दादाजी को इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। ओहो, तो इंजेक्शन से डरना गड़ा खानदान की खानदानी बीमारी है। लेकिन वैक्सीन लेने की जिम्मेदारी और फर्ज के आगे डरते हुए भी दादाजी वैक्सीन ले रहे हैं। वाह वाह दादाजी, वाह। तू भी चल अंदर मेरे साथ। हाँ हाँ हाँ, मैं भी आ। सुन मेरे बंधु, सुन मेरे प्यारे, अरे सुन लो अंकल, ओ सुन लो आंटी, ये, ये, ये। सुन मेरे बंधु, सुन मेरे प्यारे, अरे सुनता जा रे और सबको बता रे, खुद को लगवा ले टीका रे, औरों को लगवा ले टीका रे, क्योंकि टीकाकरण है जरूरी, उसे रखो ना तुम दूरी, कोरोना का टीका लगा। हो गया दादाजी। कोकुलधाम के सभी लोग वैक्सीन लेकर सुरक्षित हो रहे हैं, ये जेठालाल का क्या किया जाए समझता ही नहीं है। इंजेक्शन के डर से वैक्सीन नहीं ले रहा, क्या करूं? पर जेठालाल को वैक्सीन दिलवानी तो है ही। अभी सबको सच बता दूं? नहीं नहीं, सच बता दिया तो चाचा जी उसे डांटेंगे, जबरदस्ती इंजेक्शन को लेने को कहेंगे, और जेठालाल का डर के मारे बुरा हाल हो जाएगा। क्या करूं, टीका तो उसे लेना ही चाहिए, और गलत बात में तो मैं जेठालाल का साथ नहीं दूंगा। मैं सभी को सच कहूंगा, फिर चाहे जेठालाल अंजलि को या मेरे बॉस को, जो राज खोलने खोल दे, जो बोलना है बोल दे। नाना जी, आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट भी आ गया। हाथी भाई, भिड़े भाई। क्या हुआ अब्दुल? मैंने सुना है कि वैक्सीन लगाने के बाद बुखार आता है, बदन दर्द करता है, आप लोगों को तो पता है मेरा यहाँ कोई नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो अब्दुल, हम लोग है ना यहाँ पे भाई, पूरा गोकुलधाम एक परिवार है। हाँ? कुछ नहीं होगा तुम्हें, और कुछ हुआ तो हम लोग है ना यहाँ पे। हाँ? और हाँ, मैंने ऐसे भी सुना है कि वैक्सीन लगाने के बाद ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, मुझे बहुत सारे मैसेज भी आए। अब्दुल अब्दुल, ये सारी अफवाहों पे ध्यान मत दो, हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च करके ये वैक्सीन बनाई है, और ये वैक्सीन एकदम सेफ है, इससे तुम टेंशन मत लो और बिंदास वैक्सीन लगा लो। आप आग बंद करके वैक्सीन ले दो। सॉरी, तुम आग बंद करके वैक्सीन ले लो, आप आग खुली रखना। पोलियो का टीका लिया, उसे जड़ से मिटाया, अब ये निकोड़ा कोविड है आया, कोविड को हराएंगे सब मिलकर बहन और भैया, क्योंकि अब दुनिया को पटरी पर लाने का वक्त है आया। तो क्या टीकाकरण है जरूरी, उसे रखो ना तुम दूरी, टीकाकरण है जरूरी, उसे रखो ना तुम दूरी, ओ, ओ, ये। कोविड का समय है, ना करो मन मानी, वैक्सीन को लेने में ना करो आना कानी, कोविड से लड़ने का ये है बड़ा हथियार, टीकाकरण से बन जाओ बाहुबली मेरे यार, लेकिन बाहुबली बनकर ना घूमो मेरे यार, क्योंकि कोविड का खतरा अभी भी बरकरार। तो फिर सब सुनो, दो गज की दूरी और मास्क पहनकर तुम रहो खबरदार और बनो होशियार, टीकाकरण है जरूरी, उसे रखो ना तुम दूरी, टीकाकरण है जरूरी, उसे रखो ना तुम दूरी, टिक 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 टीका लगा, कोरोना का टीका लगा, टिक 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 टीका लगा, कोरोना का टीका लगाओ। भैया भाई, मैं दुकान जाता हूँ, जैसे जैसे लोग आएंगे मैं उनको ऊपर भेजता हूँ। हाँ, लेकिन 9 बजे के बाद। हाँ, 9 बजे के बाद। हाँ, चलो चलता। हाँ।
सुनिए 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 मेरी बात। ए टप्पू से ना बोले यार, बोले ना पापा क्या बोलते हैं। सुनिए सुनिए देखिए, किसी को कोई तकलीफ या अनिजी तो फील नहीं हो रहा है ना? ठीक है, तो मैं आत्माराम तुकाराम भिडे गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी बड़े ही गर्व और खुशी से जाहिर करता हूँ कि जेठालाल को छोड़ के बाकी सभी गोकुलम वासियों का वैक्सीनेशन हो गया है। सभी डॉक्टर्स को, सभी नर्सेस को थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वेरी गुड थैंक यू। ओ यारो, अगर जेठाप्रा को बुखार ना आया होता ना तो उनको भी वैक्सीन लग जाती। सही बात है। मैं सोई का तो अपने शरीर के आसपास कल फर्क नहीं दूंगा। असली शूरवीर वही होता है जो बिना किसी की मदद लिए चैलेंज पूरी करता है। खबरदार, जो अपने बापू या किसी को भी यह बताया कि वो सुई के डर की वजह से मैं वैक्सीन नहीं ले रहा हूँ। नहीं सोरी, अफसोस करने की जरूरत नहीं है। जेठालाल को वैक्सीन लगेगा और आज ही लगेगा, आज ही लगेगा, आज ही लगेगा, आज ही लगेगा। अरे ये कैसे कहे? कैसे? मेहता साहब कैसा बात करता है? जेठालाल को तो फीवर है ना, तो फिर वो वैक्सीन कैसे ले सकता है? ले सकता है। अच्छा भाभी, मैं तो सब क्या बोल रहे, मेरे भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तारक, जो हो ही नहीं सकता वो क्यों कह रहे हैं आप? मेहता साहब, मानता हूँ कि सब लोग अपने दोस्तों के बारे में भला ही चाहते हैं। आप भी चाहते हैं कि आपके परम मित्र जेठा भाई को वैक्सीन लग जाए, पर ये भी तो देखिए कि उनको बुखार है, वैक्सीन कैसे ले सकते हैं वो? मैं तो, तू इतना पढ़ा लिखा होकर ऐसे नादानी की बात कर रहा है। माफ कीजिए चाचा जी, जेठालाल को बुखार है ये आपको जेठालाल ने कहा या डॉक्टर ने कहा? जेठा ने। माफ कीजिएगा चाचा जी, ये जरूरी तो नहीं है कि जो जेठालाल बोले वो सच्ची हो। मतलब मेहता अंकल आप कह रहे हो कि पापा झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मेहता अंकल आपको कहीं गलत फहमी हुई होगी, पापा सच में बीमार है। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी भावनाएं समझ रहा हूँ, लेकिन जेठालाल नाटक कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उसे कोई बुखार नहीं है। वो वैक्सीन की सुई से डर रहा है, उसे वैक्सीन लगवाना नहीं है, इसलिए सब नाटक कर रहा है। उत्तरी क्या छूटा था? तभी इंजेक्शन से मेरी तरह डरता तो था, लेकिन अभी भी इतना डरता है इंजेक्शन से कि टीका ना ले, ये मुझे पता नहीं था। ओ यारो, ओ इंजेक्शन के डर के मामले में ना जेठा प्राण चाचा जी पे गया है। चाचा जी, जेठा ने तो हद कर दी अभी। ये गोकुल नाम का कोई भी कार्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक जेठा हंगामा ना कर दे। जेठालाल कुछ भी कर सकता है, बहुत ही गैर जिम्मेदार है, वैक्सीन ही नहीं ले रहे। नहीं 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 अय्यर भाई, सेठ जी बहुत जिम्मेदार इंसान है। वो क्या है, बेचारे इंजेक्शन की वजह से डर गए होंगे इसलिए बीमारी का नाटक किया होगा। हाँ। बराबर कहा तुमने भगा, बराबर कहा। ये गोकुलम सोसाइटी फुल्ली वैक्सीनेटेड सोसाइटी नहीं हो सकती, उसके लिए जेठालाल ही जिम्मेदार है। कैसे किसी चीज से बचने के लिए बहाना बनाना, ये ट्रिक है ना जेठा अंकल से सीखनी पड़ेगी। गोली, बहाने कैसे बनाने वो तू पापा से सीखना, और गलती करने पे डांटते कैसे वो मैं दादाजी से सीखूंगा। तारक, आपको कैसे पता है कि जेठा भाई नाटक कर रहे हैं? हाँ, और भाई तुम कमाल की बात कर रहे हो अंजलि। जेठालाल की जिंदगी में कुछ हो तो सबसे पहले किसे पता चलेगा, मुझे ही ना। परम मित्र है मेरा, हूं मैं उसका फायर ब्रिगेड हूं, कोई भी समस्या आती है तो सबसे पहले मेरे पास आता है कि आग को बुझाओ मेहता साहब।
तो जब ये समस्या आई उसकी जिंदगी में कि उसे सुई से डर लग रहा है, वो नहीं लगवा सकता, तो मेरे पास आया, मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। मैंने बिल्कुल इनकार कर दिया, मैं बिल्कुल नहीं बचाऊंगा, इस मामले में मदद नहीं करूंगा। तो फिर उसने नाटक किया कि भाई बुखार आ गया, ताकि कोई कहे नहीं कि वैक्सीन लगवाओ। ओ मेहता साहब, अगर तुम्हें पता सी तो ये बात आपने कल या आज सुबह क्यों नहीं बताई हमें? थोड़ी मैं बता सकता था, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैंने पहले बता दिया तो यहाँ हंगामा हो जाएगा। तो मैंने महसूस किया कि एक बार सबका वैक्सीनेशन हो जाए फिर मैं ये बात बता देता हूँ। वाह, तो तूने सच्ची दोस्ती निभाई है। अच्छा हुआ तूने जेठा का साथ नहीं दिया और हम सबको सच बता दिया। सही बात है। ओ की सही गल है मेहता साहब, जब आपके प्रिय परम मित्र को ये पता चलेगा कि आपने उसके प्लानिंग में उसका साथ नहीं दिया, ये जान के जेठा प्रा नाराज हो गए तो? छोड़िए, अगर इस बात पे नाराज होना हो तो हो, क्योंकि मेरे लिए जेठालाल की नाराजगी से ज्यादा जरूरी है उसका टीकाकरण होना। और अगर समझदारी से सोचेगा तो नाराज नहीं होगा, इस बात में खुश होगा कि मैंने उसकी मदद की है इस तरह से। चाचा जी, मेरे को लगता है कि आपको जेठालाल को डांट कर यहाँ पर लेकर आना चाहिए। नहीं आत्मराम? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं अय्यर, इस तरह से डांट के लाने से काम नहीं होगा। मुझे लगता है कि उसने हमारे साथ नाटक किया है तो हमें भी कोई नाटक करना चाहिए उसके साथ, कोई ऐसा नाटक करना चाहिए कि जेठालाल खुद भागते हुए आए और खुद कहे कि मुझे वैक्सीन लगाओ। कौन सा नाटक? आइडिया। अरे वाह, क्या? मैं डॉक्टर हूँ तो जेठा भाई के नाटक का जवाब मैं डॉक्टरी भाषा के नाटक से ही दूंगा। सुनिए, समझ गए? वाह 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 हथेड़ा, ये बहुत अच्छा प्लान है, जेठिया को बराबर सबक मिलेगा। थैंक यू चाचा जी। यस चाचा जी, जेठालाल को सबक दिखाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं घर से औजार लेकर आता हूँ और चाचा जी, भिड़े मास्टर, आप लोग मेरे साथ चलिए। हाँ हाँ, हम लोग चुपके से जाते हैं और जेठिया को रंगे हाथ पकड़ते हैं। कपड़ा चाबी से। हाँ चल 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 चल। जेठा भाई भी कमाल है, छोटे बच्चे की तरह नाटक करते हैं। पर अब बेचारे जेठा भाई को इस नाटक की सजा मिलेगी। हाँ, जेठा भाई ने सोचा भी नहीं होगा वैसा हाल होगा उनका। हाँ। चाचा जी, जेठा को समझाना, वैक्सीन लेना ही है। हाँ, वो लेगा। आजा, आजा, आजा। हाँ, देख देख हथेड़ा, जेठा बेचारा ठंड से अभी भी कांप रहा है, उसे थोड़ा बुखार भी है और बदन भी दर्द कर रहा है। अरे बाप रे, बापू जी तो हाथी भाई को लेके आए, अभी हाथी भाई को दवाई ना दे तो अच्छा है। चाचा जी, मैं देखता हूँ। आई आई, देखिए जेठा भाई, जेठा भाई, कौन कौन आया है? हाथी भाई, कीड़े, पापूजी, आप सब यहाँ? वो जेठा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए मैं हाथीड़ा को लेकर आया। अरे बापूजी, गोकुलधाम में गोकुलधाम वैक्सीन महोत्सव चल रहा है, वहाँ हाथी भाई और भीड़े को बहुत काम होगा, उनको क्यों परेशान किया? अरे जेठालाल, इसमें परेशानी की क्या बात है भाई, हम गोकुलधाम वाले एक परिवार की तरह तो है।
और परिवार में किसी को तकलीफ होती है तो उसको मदद करने में खुशी मिलती है, परेशानी नहीं होती ना। सही बात है दोस्तों। टीकाकरण के इस चौपड़ की बाजी पर मैंने कमाल के पास फेंक दिए। मैंने डॉक्टर हाथी, भिड़े और चंपक चाचा को भेज दिया है जेठालाल के घर। अब जेठालाल कैसे बचेगा? अब तो टीकाकरण कराना ही होगा। पर नहीं दोस्तों, जेठालाल बचाव का कच्ची माड़ू है, इस तरह से हथियार नहीं डालेगा। यानी कि अभी जेठालाल के टीकाकरण और हमारे बीच में बड़ी दूरी है। अब तनातनी होगी और जितनी ज्यादा तनातनी होगी उतनी हंसी की धनाधनी होगी आपके घरों में। आपको क्या लगता है जेठालाल बचेगा? नहीं बच पाएगा ना? बचेगा नहीं, नहीं बचेगा। बच जाएगा? नहीं बचेगा। मैं आपको बताऊं प्लान क्या है। अरे छोड़िए, कल खुद आके देख लीजिएगा कि प्लान क्या है। लेकिन उससे पहले एक विशेष बात मित्रों, हम शूटिंग करते हैं इस वजह से मास्क नहीं लगाते हैं, लेकिन आप लोग जब तक कोविड का भय, जब तक कोविड का खतरा है, मास्क भी लगाइए और दो गज की दूरी भी रखिए। और तब तक देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।